अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 6 सितंबर सन 2024 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस टाइम मैं लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मौजूद हूँ और आज इंशाल्लाह यहाँ पर रेल फैनी करेंगे और 5 o'clock है जो लाहौर पहुँच चुकी है और अभी उसका डिपार्चर भी होने वाला है और तकरीबन 1.5 घंटा लेट वो चल रही है तो इंशाल्लाह उसको भी कैप्चर करेंगे। और दूसरा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले 36 ड्रोन का इनॉग्रल हुआ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, तो उसको भी हमने कैप्चर किया और खूब उसको इंजॉय किया और माशाल्लाह काफ़ी रेल फैन दोस्त, यूट्यूब ब्लॉगर और मीडिया के लोग उधर मौजूद थे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उधर फील किया। और ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है पैसेंजर के लिए कि उनको एक नई ट्रेन मिली, ख़ास तौर पर सांगला हिल, वज़ीराबाद और फैसलाबाद की, और HGMU 30 82 21 और GU 20 4570 इकट्ठे आ रहे हैं और उनके पीछे कुछ फ्रेट कोचेज मौजूद हैं। ज़बरदस्त, और ZU 20 भी विसल कर रहा है। पाँच बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और सामने GU 20 4564 की लीड के साथ 5 o'clock एक्सप्रेस लाहौर से रवाना हो रही है और आज इसने बड़ा ज़ोरदार विसल दिया GU 20 4564 ने और गाड़ी भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और अभी लाहौर से निकलने के बाद ग्रीनलैंड का जो पहला स्टॉप होगा वो होगा चकलाला रेलवे स्टेशन और उसके बाद रावलपिंडी, और पाकिस्तान के मोस्ट प्रीमियम ट्रेन है ये। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस का रैक मौजूद है जो कि लाहौर से शाम को 6 बजे रवाना होगी और अभी तक इसकी पावर नहीं आई। GU 20 इसको रोज़ाना की तरह लीड करता है और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 5 o'clock एक्सप्रेस रवाना हुई है। RG20 Comet 05 लाहौर का बादशाह
स्ट्रीट ऑन कराची एक्सप्रेस का रैक लेकर आ रहा है और प्लेटफॉर्म दो पर प्लेस हो रही है। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज खुशी तौर पर मैं ग्रीनलैंड एक्सप्रेस को कैप्चर करने आया था और उसका रीज़न ये था कि काफ़ी कुछ दोस्त मुझे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि जहाँ से भाई आप बताएं कि ग्रीनलैंड एक्सप्रेस अच्छी है या सर सैयद एक्सप्रेस अच्छी है। तो हम जो रेल फ़ैन हैं हमारे लिए सभी रेलगाड़ियाँ अच्छी हैं क्योंकि हम ट्रेनों के फ़ैन हैं, रेल फ़ैन हैं, तो हमारी कोई भी उस तरह की ट्रेन फेवरेट नहीं होती कि जिसको हम कह दें कि ये यार सबसे अच्छी ट्रेन है। तो सभी ट्रेनें अच्छी हैं अगर वक्त पर चलें। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्रैवल में या नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया।